हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। इसे आप लंच में, डिनर में, कभी भी बना के इसका आनंद ले सकते हैं। और चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाई गई है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं किसी भी बर्तन में सरसों का तेल गरम कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इस रेसिपी को मिट्टी के बर्तन में बनाया जाए, इसे कढ़ाई में, भगोने में, कुकर में, किसी में ही बना के आप तैयार कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से पक जाए तो दो मीडियम साइज़ के आलू को मैंने छील के थोड़ा छोटे पीस में काट लिया है और इन्हें सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी लेकर आई हूँ, इसलिए लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आलू को अभी हम साइड में निकाल लेते हैं और जितना इसमें ऑयल है इसे एक्स्ट्रा हम बाहर कर देते हैं और बहुत ही कम ऑयल में इस सब्जी को बनाने वाले हैं। दो तेज़पात के पत्ते लिए हैं, दो से तीन काली मिर्च, लौंग और जीरा डालने के बाद दो मीडियम साइज़ की यहाँ प्याज ली हैं, थोड़ा सा आधा इंच का अदरक बारीक काट के लिया है। इन सभी को सुनहरा होने तक भून लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्याज को भूनना नहीं है, बस हल्का सुनहरा सा ही हमें भूनना है। इस सब्जी को बनाने के लिए दो मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है। तो टमाटर डालने से पहले ऐड करेंगे यहाँ थोड़े बेसिक से मसाले, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी लौंगी में यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहो वैसे आप इसमें टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ टमाटर को मैं ऐड कर लेती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसका ऑयल अलग ना होने लगे। जब ये थोड़ा भुन जाए तो एक बड़ा चमचा भर के मैं यहाँ ताज़ा दही लूँगी, जिसे कलछी भी बोल सकते हैं या बड़ा चम्मच भी बोल सकते हैं। केवल एक ही चम्मच भर के हमें यहाँ लेना है और इसे भी मिक्स करते हुए भून लेते हैं। जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसके बाद हमें लेनी है ताज़े दूध की मलाई। तो दो से तीन चम्मच मैं यहाँ ताज़ा दूध की मलाई लूँगी और इसे भी डाल के अच्छे से भून लेते हैं। इन सब्जियों में यदि आप मलाई का यूज़ करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होती है। तो इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ दो मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली हैं और इनके पीस कर लेते हैं। बीज वाला जो डंठल वाला पार्ट होता है उसे अलग कर देते हैं, और ना तो बहुत बड़े साइज़ में काटने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में काटने हैं। तो ये शिमला मिर्च भी मेरी कट के तैयार हो चुकी है। मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया होगा, ये देखिएगा ऑयल भी अलग आने लगा है और थोड़ा इसमें अभी कसर है, तो इसे एक से दो मिनट और भून लेते हैं। ये देखिए, जब तक इस तरीके से ऑयल ऊपर ना आ जाए हमें जब तक भूनना है। जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसमें आधा गिलास पानी ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ एक चम्मच गेहूं का आटा लूँगी और इसमें थोड़ा पानी मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस गेहूं के आटे वाले पानी को इसी ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। इससे जो आपकी ग्रेवी होगी बहुत ही फर्स्ट क्लास बन के तैयार होगी। जो सब्ज़ी बनने के बाद थोड़ा पानी अलग हो जाता है और सब्ज़ी अलग हो जाती है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ आलू ऐड कर लेते हैं, फिर शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इस सब्जी को आपको कितनी गाढ़ी और पतली बनानी है उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैंने आधा गिलास पानी डाला है। इसे यदि आपको थोड़ा गाढ़ा रखना है तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 5 से 6 मिनट पकाना है, जब तक आलू अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और आप देख सकते हैं पहले से ये गाढ़ी भी लग रही होगी और बिल्कुल बढ़िया से शिमला मिर्च, आलू पक चुका है। इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, ऐसा नहीं है कि हाई फ्लेम पे आपने 5 मिनट पकाया है तो सारा पानी जल जाएगा और अच्छे से ये सब्जी सॉफ्ट भी नहीं रहेगी। तो इसके ऊपर बस हल्का सा गरम मसाला ऐड करना है और कुछ भी नहीं मिलाना है। तो ये गर्मा गर्म सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। तो भरवा शिमला मिर्च तो आपने बहुत खाई है, लेकिन इस तरीके से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे पराठा, चपाती या चावल के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।